चैनल पर। लंबे सरन के साथ लंबे कप्तानी के ये बल्लेबाज भाई साथ ही साथ ये बैटर ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा है। एक और बच्चा की दो गेंदें अब तक इस ओवर में की गई है और बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे ताली। लंबे कद के ये बॉलर है और इनके पास गति है, गति के साथ साथ वेरिएशन से आप कदम ले कदम साथ ही साथ बैक एंड और चीजों में गेंद डालते टेंशन एक अब बंद हो गई चार्ज ना होते। आज प्लस आठ बल का ये मुकाबला पहले बल की गेंदबाजी के लिए तैयार थी से ताली बहुत अच्छी गेंद बैक एंड टू सिल्वर अपील की जा रही है और पहले ही ओवर में पहले विकेट दिला दिए तालिक कुणाल ने। ये पहला ओवर ये तालिक प्रगति पर और अगर आप देखिए आपके अपनाम तालिक अब तक इन्होंने इस ओवर में तीन गेंदें की है, दो गेंदें स्पीड के साथ और तीसरी गेंद बैक एंड टू सिल्वर। तो क्या कहना चाहेंगे काली दिल्ली के पास देखकर बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये गेंदबाज है तो लंबे कद का फायदा मिलता है जब आप एक गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हैं और जब आपके पास तेजी देखिए पहली दो गेंदें अच्छी खासी स्पीड लेती बाउंस लेती हुई गेंद निकली और तीसरी गेंद पे फंसाया बल्लेबाज को जो फ्लोवर की बात आप कर पहली विकेट पहली ओवर में मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं टीम का हौसला बढ़ता है। बल्लेबाज रूल राहुल गए बल्लेबाजी करने के लिए पहला ओवर ये प्रगति पर पहले ओवर में पहली सफलता दिलाई है तालिक ने। तीन गेंदें अभी तक इस ओवर की हुई है पहली दो गेंदें अंजुम भाई मैच तो देखे हो यार तीसरी गेंद नुमान भाई का मैच नहीं देखे हो क्या लाजवाब की बाजी चल रही है। पहला ओवर ये प्रगति पर आठ प्लस सात ओवर का ये मुकाबला पांच जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला मुंगेर बिहार का क्या शानदार मुकाबला चलता हुआ लाजवाब ये दृश्य मैदान के ऊपर। अगली गेंद चौथी ओवर चौथी गेंद इस ओवर की स्पीड अच्छी गेंद फिर से आयो का बढ़िया प्रयोग करने का प्रयास करने का प्रयास किया था बल्लेबाज राहुल ने। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के आसपारों तक लेकिन अगर वो हाथे में जाती तो रन मिल जाते। साथ ही साथ एक बात का ध्यान दो जो आता है अगर वहां से एक पेड़ से टकरा के अंदर आती है तो वो कैच मान्य नहीं होगा और साथ ही साथ जो स्पेल ने बाउंड्री बनी हुई है अगर पेड़ से टच होती गेंद जाएगी तो सिक्स माना जाएगा। इसीलिए अगली गेंद गेंद है नो मैन स्लैंड में गेंद जाकर गिरी है। अंकित मौर्या जो विकेट कीपर के तौर पर टीम का हिस्सा है एक रन आसानी के साथ स्कोर इस वक्त खाता खुलता हुआ मुंगेर बिहार का। आठ प्लस चार ओवर का मुकाबला पहले ओवर की गेंदबाजी लेके तैयार है तालिब क्या शानदार गेंदबाजी की है तालिब लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। पांच गेंदें अब तक इस ओवर में की है चार गेंदें बिल्कुल स्पीड के साथ मात्र एक गेंद जो स्लोअर पर फंसाया था। अब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर लेफ्ट बल्लेबाज अभी स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त बीच मैदान पर तालिब फील्ड में लगातार परिवर्तन क्योंकि जब भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पे होता है तो फिर फील्ड में लगातार परिवर्तन करना पड़ता है। ये ईश्वर की नाश के इस बार भी बैक एंड टू सिल्वर का अच्छा इस्तेमाल कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं मात्र एक रन एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है मात्र एक रन। टॉस जीता टीम कैप्टन मुंगेर बिहार ने और टॉस जीतने के तुरंत बाद तालिब बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जितनी भी टीम ने इस मुकाबले में अतिक्रमण मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर जितनी भी टीमों ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है लगभग 99% उसमें 100% उस मैच ने और टीम ने मैच को अपने नाम दर्ज किया है। दूसरा ओवर अब प्रगति में चलता हुआ एक ओवर समाप्त हो चुका है गेंदबाजी करने के लिए आए अभय शर्मा अबू शेमा जो काफी एक्सपीरियंस के खिलाड़ी है आगे भाई वो खिलाड़ी है जो जामिया के अंदर जिन्होंने छक्का लगाकर 60,000 रुपए कमाए थे गेंदबाजी करने के लिए आए अबू शेमा काफी एक्सपीरियंस अनुभवी के खिलाड़ी दो ओवर ये प्रगति पर पहले ओवर की गेंदबाजी की है तालिब ने और मात्र एक रन किए। अब अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी के ऊपर सबसे अनुभवी गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी को सौंपाए पहली गेंद अंदर का अच्छा इस्तेमाल और पैसों पे जाके लाहौर की दिशा में खेला बल्लेबाज और एक रन के साथ स्कोर खोल चुका है दो रन। दूसरा ओवर ये प्रगति पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन अगर आप फील्ड पोजीशन देखिए तो विकेट कीपर के तौर पे एक A47 एक खिलाड़ी को लगा रखा है वाइड एरिए में एक खिलाड़ी स्कोर ने बाउंड्री की दिशा में एक खिलाड़ी मिड विकेट एक लाहौर
इसी बीच अरुण शर्मा की इस वक्त की दूसरी गेंद लाजवाब गेंद, ये बिल्कुल फेस टाइम वाला टप्पा था, ये क्रिकेट का आदर्श टप्पा कहा जाता है। आप स्टंप से थोड़ी सी बाहर और ओवर पिच ये बॉल नहीं थी, ये गेंद पड़ने के बाद हल्का सा इस गेंद करती हुई विकेट कीपर के पास तारों तक गई है। दो सावर ये प्रगति पर लाजवाब ये मुकाबला चलता हुआ अति के मध्य बोलियर क्रिकेट टूर्नामेंट इस बार लो भुट्टा सीट बल्ला पहले चार गेंद हल्का सा लेट आई एक आसानी के साथ इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 रन। तो एक एक रन से यहाँ पे शुरुआत की जा रही है ये दूसरा बल्ले प्रगति पर जौनपुर में ये मुकाबला है। चार सीट पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है मुंगेर बिहार ने। अब इस साइड के ऊपर राहुल कोटे का पहला टीम के कोटे का दूसरा बल लेकर चल रहे अभू शर्मा अनुभवी एक्सपीरियंस बॉलर अगली गेंद ईश्वर की राहुल के लिए अच्छी गेंद लाजवाब गेंद कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। ये दूसरा ओवर मात्र 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर कामरान खान मोनू खान सलीम खान इमरान खान तलाह हुजैफा इन सारे लोगों की जो मेहनत है नूरुद्दीन खान साहब वर्तमान ग्राम प्रधान शमशाद खान उर्फ बाबा इजार भाई अब राम भाई सारे लोगों की मेहनत काम कर रही है। इसी बीच आप इस शब्द के बाहर ये गेंद थी और उसको लेग स्टंप से बाहर खेलने का प्रयास किया था मात्र 1 रन मिलेगा इसी के साथ स्कोर है मात्र 4 रन। तो तालिक चार लाजवाब के पास ही चल रही है। अगर आप देखें आप ही इलेवन चुनेटा ने बिल्कुल भाग के रखा हुआ है क्या कहना चाहेंगे इसके बाद को देखकर बहुत ही पास जीत कर रहा है। जिस तरीके की शुरुआत अभी तक टीमों ने दिया उस तरीके की शुरुआत अब तक नहीं मिली है दिया और हालांकि जब पहली के ओवर में ही विकेट मिल जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है वापसी करना। किसी भी चकली के बिल्कुल आपने सही कहा तालिक जब पहली ओवर में आपको विकेट मिल जाती है तो आपको जो अगला जो बल्लेबाज जाता है उसको संयम के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है रन रेट को मेंटेन करके रखना पड़ता है और साथ ही साथ जो विकेट है विकेट को बचा के रखना पड़ता है तो काफी कुछ निर्भर करता है। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन। अब तीसरे ओवर के बाद लेकर टीम के कैप्टन खुद चले तालिब जिन्होंने एक ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है और पहली सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 4। तीसरे ओवर के बाद लेकर आए तालिब 8+7 का ये मुकाबला लेफ्ट और राइट का कंट्रीब्यूशन इस वक्त बीच मैदान पर राहुल जो अभी स्टाइल के ऊपर मौजूद है एक सिंह बना रखा है तालिब ने एक खिलाड़ी को लगा रखा है पॉइंट की दिशा में हवा में फंसाया है उसके नीचे खिलाड़ी हवा में गेंद और दादा एक और बड़ा विकेट दो विकेट निकाल दिया तालिब ने। ये दूसरा ओवर इनका चल रहा है इनके स्कोर का दूसरा ओवर टीम के कोटे का तीसरा ओवर और ये पहली गेंद थी और पहली गेंद आपको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए आपको थोड़ा सा अमित गए बल्लेबाजी करने के लिए दूसरा विकेट तालिब गिरा है। आप क्या कहना चाहेंगे क्या बाजी चल रही है बल्लेबाजी देखिए बहुत लाजवाब चल रही है कहीं ना कहीं मुंगेर बिहार के बल्लेबाजों को सफल करके खेलना है रन भी बनाना है कहीं ना कहीं छोटे से फॉर्मेट में सफल कर खेलने की कोशिश बल्लेबाज नहीं करते खासकर टेनिस क्रिकेट में और हालांकि 8 रन के मुकाबले में संभलने का मौका नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जब दो विकेट गिर जाए 2 पर 4 रन हो तो फिर अगले 2 ओवर में कम से कम विकेट बचाना है थोड़ा बॉल भी खेला आखिर को 4 ओवर में अच्छे खासे रन बन सकते हैं यहाँ पे। और बिल्कुल तालिब अब यहाँ से जो आने वाले बल्लेबाज है उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई है अब यहाँ से आपको विकेट को बचा के रखना है रन रेट को मेंटेन करके रखना है और बहुत बड़ी आप बाउंड्री नहीं कह सकते अगर आप सीधे बल्ले से खेलेंगे तो आसान होगा इस बार सीधे बल्ले से खेला है बिल्कुल मास्टर प्लास्टर सचिन तेंदुलकर के अंदाज वाला ये शॉट नमो का है और इस बार के साथ स्कोर नमो पहुंच चुका है 8 रनों पर। तीसरा ओवर ये प्रगति पर तालिक अपने कोटे का अपने स्पेल का दूसरा ओवर टीम के कोटे का तीसरा ओवर क्या लाजवाब के पास ही चल रही है बिल्कुल बांध के रखा हुआ है मुंगेर बिहार को सलामी जोड़ी जो मैदान से गई थी पहले ओवर में विकेट गिराई थी तालिक ने अगली गेंद ईश्वर की तीसरे ओवर की अगली गेंद दूसरे ओवर का अच्छा इस्तेमाल और अभी तक तालिक उन्होंने जितनी भी बैठे को सोलह का इस्तेमाल किया है किसी ने पढ़ नहीं पाया है लाजवाब सत्ते पर के पास ही चल रही है मात्र 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर तीसरा ओवर ये प्रगति पर शानदार मुकाबला चलता हुआ अस्ता माहौल स्पोर्ट सफर एमजेड और एशियन स्पोर्ट से जुड़े हुए Yeah.
वाइड बॉल का इशारा था वो अंपायर, और फर्स्ट बाउंड का इशारा भी कर दिया है अंपायर प्रदीप यादव ने। इस वाइड के साथ एक रन और जुड़ता हुआ। अब इस छोटे से फॉर्मेट में आपको मात्र एक एक मिनटी जो आप बाउंस कर सकते हैं, आने वाली जो आप दूसरी गेंद बाउंस करेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। अगली गेंद लेके ताली फिर से तैयार, इस साइड पे राहुल बहुत अच्छी गेंद के सारे खेलकर एक रन आसानी के साथ बटोरा है दोनों बल्लेबाज ने। हालांकि दूसरा चैंपियन आने स्ट्राइकर बल्लेबाज लेकिन इनकार किया। तीसरा बल्ले प्रगति पर लाजवाब के पास का मुजाहरा पेश किया है तालिब ने, और तालिब का टीम का कैप्टन तमाम समय जब मैदान पर होता है तो 11 खिलाड़ी जो मैदान पर होते हैं वो 10 खिलाड़ी को लीड करता है। और साथ ही अगर कोई खिलाड़ी जो गेंदबाज जो टीम का कैप्टन होता है वो गेंदबाज होता है, खास करके तो बल्लेबाज होते हैं टीम के कैप्टन होते हैं। पहले कमी जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार उन्होंने ओडीआई का जो हल्का था उन्होंने अपने नाम किया। इसी बीच एक और विकेट तालिब प्रधान, क्या लाजवाब गेंदबाजी। और ये लंबे करके ये बॉलर है अपनी लंबाई का लाजवाब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विकेट गिरता हुआ, ये तीसरा धक्का लगा है मुंगेर बिहार को। बल्लेबाज ने रोहित गए बल्लेबाजी करने के लिए, एक और विकेट गिरता हुआ मुंगेर बिहार का। तीसरा ओवर ये समाप्त हो चुका है, संभवतः तीन ओवर की समाप्ति के बाद पांच गेंद अभी भी एक गेंद बची हुई है। 8+7 ओवर का ये मुकाबला है। टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है टीम के तनाव मुंगेर बिहार में। अभी भी एक गेंद बची हुई है, एक गेंद अभी भी शेष है। ना मोहन लीन 8+7 ओवर का ये भाई नाम क्या है जीता था मुंगेर बिहार ने, और टॉस के तुरंत बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था सनोज भाई। नमो पुछले आराम फरमा रही है। अब आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको एक माइंडसेट के साथ खेलना है, एक रणवीर को मेंटेन करके रखना है। ये पासी के लिए ताली फिर से तैयार, लंबे सरगत के साथ लंबे कद के ये बॉलर अपने लंबाई का काफी बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, कंधे का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल कर रहे हैं ताली। किसी भी चली गेंद खिलाड़ी क्या उसके नीचे आएंगे, लेफ्ट गिरता कर गिरी और एक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। ओवर की समाप्ति का ऐलान, तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, तीन ओवर 11 रन। बहुत ही शानदार। वालेकुम अस्सलाम भाई, कमेंट नहीं पड़ रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज है, कुछ दिख ना रहा है मोबाइल में, धूप बहुत तेज है। तालिब ने 2 ओवर का स्पेल किया है और मात्र 8 रन खर्च किया और 3 बड़ी सफलताएं अर्जित की है। 3 बड़ी सफलताएं, मात्र 8 रन, 3 ओवर का स्पेल, ऐसे विकेट के ऊपर तो बिल्कुल सपाट ये विकेट है। बाउंड्री बिल्कुल बहुत करीब है, 50 से 55 मीटर की बाउंड्री है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं तो ये आपके स्किल से क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। तालिब पठान ने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया है, रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया है मुंगेर बिहार के। अस्मा बाहुल स्पोर्ट, एसीएल स्पोर्ट्स, जफर एनसेट, इन्होंने अपने कैमरे को ऑन कर लिया है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चलता हुआ, लाजवाब ये मुकाबला होने की संभावनाएं थी। मुंगेर जो बिहार से सफर तय करके उत्तर प्रदेश के इस लखनऊसराय की सरजमीन पर जिसे ऑर्गेनाइज किया है कामरान खान साहब, एक आईपीएल प्लेयर जो उनके वालिद मोहतरम जो उनके फादर उनके नाम से इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, आज इस टूर्नामेंट का चौथा दिन, चौथे दिन का पहला मुकाबला, टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला मुंगेर बिहार का के पास ही करने के लिए आए। टीटू अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का लेकर आए चौथा। पहली गेंद और वाइड के साथ शुरुआत किए टीटू ने, इस इच्छा के साथ एक रन और स्कोर बनने देता हुआ, इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 12 रन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बड़े भाई बिहार के ही टीम है जौनपुर, और साथ ही साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी अदा कर रहे बड़े भाई सचिन जियो ने लगातार 4 दिनों से अधिक
बाइक देखिए बिल्कुल सामने है हमारे। स्कोर है 13 स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीटू अपने ओवर की गेंदबाजी करते हुए एक ओवर का पहला बल्ला जवाब के पास का मुजाहरा। चौथा ओवर की प्रगति पर स्कोर है 19। टीटू अपने कोटे का पहला, टीम के कोटे का चौथा ओवर लेकर आए हैं। टीटू अच्छी गेंद डालने में लिए उसके नीचे 47 जाते हुए और ये कमाल का ये कैच, लाजवाब कैच अंकित मौर्या प्राप्त मध्य प्रदेश। अब टीम के कीर्तन जाते हुए मैदान पर। टीम के कीर्तन अब चंदन जाते हुए मैदान पर। कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा चंदन आपको, आपकी जो टीम है यह बिल्कुल मझधार में भर्ती हुई। 47 अंकित मौर्या ने बहुत ही शानदार ये कैच रखा है और धीरे धीरे जो टीम है मुंगेर बिहार जिनका जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ से जो टीम के कैप्टन है इनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और जो टीम का कैप्टन होता है वो टीम का योद्धा होता है। अब आपको योद्धा की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टीटू ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है, अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई है। चौथा ओवर ये प्रगति पर, टीटू गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार। अच्छी गेंद हवे में गेंद जाकर गिरी एक आसानी के साथ, इस एक के साथ स्कोर हो चुका है 30 रनों पर। रन लेने की कोशिश लेकिन मां ने इनकार किया। मुंगेर बिहार ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला। चौथा ओवर ये प्रगति पर, 8+8 ओवर का ये मुकाबला और अभी तक मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर रन की संख्या है 20 रन। क्या शानदार गेंदबाजी की है तालिब ने। 2 ओवर के इस खेल में मात्र 8 रन और 3 बड़ी सफलता। साथ ही साथ टीटू अपने कोटे का पहला ओवर। इसी बीच अगली गेंद बल्ले का अग्रणी किनारा चंदन रन चाहते थे लेकिन इस साइकिल बल्लेबाज ने इनकार किया। विकेट कीपर के रूप में अंकित मौर्या एक स्लिप लगा रखी है, एक खिलाड़ी को लगा रखा है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी के बाजी कर रहे और जो आपने लेंथ को बरकरार रखा है जो एक आदर्श टप्पर क्रिकेट का। इसी बीच तेज रफ्तार की गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही है मुंगेर बिहार में किसी भी खिलाड़ियों को। गेंद पड़ने के बाद रफ्तार के साथ गेंद जा रही है विकेट कीपर के आसपास तक। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 100 ओवर के ऊपर मात्र 20 रन। अब आगे की जो 4 ओवर की कमेंट्री है वह अपने साथी कमेंटेटर मेहमान कमेंटेटर जो जौनपुर से बिलोंग करते सिराज ए हिंद जौनपुर और आज इनका जन्मदिन है, आज इनके यौम पैदाइश का दिन है। मैं इनके रोशन मुस्तकबिल की कामना करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अन्य चाहूंगा आगे की कमेंट्री मेरे बड़े भाई तालिब सिद्दीकी साहब की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ से फिर से इस सभी कैमरा मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूँ। एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट, हालांकि अभी तक प्रेशर में दिख रही है मुंगेर बिहार की टीम, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन। अब चले हैं अबू सामा, अब स्टंप के बाहर आती है गेंद भी और दर्शकों को बता दूं कि ये वही गेंदबाज है, ये वही खिलाड़ी है जिसने जामिया कप में सेमीफाइनल मुकाबले में एक गेंद पे सेमीफाइनल में छक्का चाहिए था, कमेटी ने ऐलान किया कि छक्का लगेगा तो 60,000 मिलेगा। नहीं भाई साहब, राज बाबू ने छक्का लगाया था। बहुत ही शानदार ये ऑलराउंडर है अपने टीम के लिए, 60,000 रुपए की प्राइज इसी खिलाड़ी को मिली थी जिसने छक्का लगाया था सेमीफाइनल मुकाबले में जामिया कप। पूर्वांचल का सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा दर्शकों वाला ये टूर्नामेंट होता है, उस टीम का हिस्सा था इस टूर्नामेंट का।
और जामिया कप की विनर टीम रही थी कामरान एंड कंपनी, कामरान खान तो बिल्कुल अभी तक बांध कर रखा है, अभी तक बल्ले से गेंद नहीं आ रही है। सलीम भाई उसको अभी रोका हुआ है बीस और कमेटी के जो बच्चे हैं वो लाइव टेलीकास्ट वालों के पास पानी भिजवा दे, आज गर्मी का दिन ज्यादा है। अब उसामा तैयार है, ये बिल्कुल यार ये तैयार कहने के जो गिरबाज साइड आम एक्शन से गिरबाजी करता है उसकी लेंथ बड़ी अच्छी गिरती है, बिल्कुल यार लाइन की गेंद गिरती है जैसे लेदित मलिंगा किया करते थे, जसप्रीत बुमराह किया करते हैं, श्रीलंका के लिए महेश बदिराना किया करते हैं, ये उसी तरीके के एक्शन के साथ साइड आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। उसामा स्कोर 20, बहुत अच्छी गेंदबाजी चल रही है, पिच का जबरदस्त इस्तेमाल, आज धूप निकली है, कल बदली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड कर रही थी गेंद, लेकिन आज देखिए उछाल विकेट पे, विकेट बहुत तेज खेल रहा है, जैसा कि टॉस टाइम पे टीम कैप्टन मुकेश यादव ने बताया था कि विकेट तेज है और तेज खेल रहा है। एक और अच्छी गेंद, 20 रन मात्र बोर्ड पर, अंकित मौर्य के हाथ से रन लेना तो बहुत मुश्किल है, मेरे ओवर खत्म किया इस गेंदबाज ने, 4-5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर मात्र महज 20 रन, और इसके बाद का जो मुकाबला है टीम जयराजपुर और प्रेम मारी 11 शेरवा, बिल्कुल तैयार हो जाए मोनू भाई, कांटेक्ट कर लें और आइए बॉलिंग विश्लेषण देखते हैं अभी तक के खेल में जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े। मैं बता दूं कि आज ये चौथे दिन का पहला मुकाबला है मरहूम अतीक अहमद मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का, टॉस जीता मुंगेर बिहार के कैप्टन ने, बैटिंग का फैसला किया, पहले ही ओवर में तालिब ने बैकफुट पे खड़ा कर दिया और सौरभ का विकेट निकाला, तालिब ने 2 ओवर में कुल मिलाकर 7 रन दिए हैं, 2-3 विकेट निकाली है, 8 रन दिए हैं 2 ओवर में, और उस अबू सामा ने क्या गजब की गेंदबाजी की है, 2 ओवर 1 मैडम 3 रन विकेट नहीं मिला है, और असल नहीं होता है जैसा कि अर्शदीप सिंह ने बताया था कि जब सामने से बुमराह गेंदबाजी करते हैं बैट बॉल खिलाते हैं तो फिर सामने बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी को टारगेट करता है, विकेट मिलता है। क्योंकि ये गेंद उसको लॉफ्ट कर दिया है पहले बाउंड्री के बाहर, गगन चुंबी शॉट पायलट के बाहर 6 रन, ऐसे ही छक्का की जरूरत है और इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 26। ये आखिरी के 3 ओवर कहीं ना कहीं टीम 60-70 रन तक पहुंचना चाहेगी। ठीक है राइट हैंड ओवर नंबर 1 आउटसाइड ही ऑफ एस्टमेन फर्दर मूविंग अवर अंपायर स्ट्रेच इज आर्म प्रदीप यादव सिग्नल दैट्स अ वाइड, सो विद एन एक्स्ट्रा स्कोर इज नाउ ऑन 27। If you go through the line, then it's easy. If you play in the V shape, if you are playing with a straight bat, it becomes easy straight away play. We saw how Osama Pandya played, Ravi Barasi played. Wow! What a strike! Swelling across! Magnificent stroke! Intensity is the supreme depth, and that's gone. Traveling a lot over the midway, over the scrolling boundary for the other 6. With that 6 score, it's now 33. 3 छक्के लगे हैं, 3 छक्के तीनों के ओवर में आए हैं। वाओ व्हाट अ स्ट्राइक, टॉस्ड अप जेलसली इन द स्लॉट एंड ही क्रंचेस, व्हाट अ साउंड ऑफ द बैट व्हेन द बॉल हिट द बैट एंड दैट्स गॉन फॉर 6 मोर। बस भाई एक मैच और है लीग मैच, उसके बाद स्कोर इज नाउ 39। रोहित क्वार्टर से क्वार्टर फाइनल है, फिर उसके बाद सेम फाइनल और फाइनल का शर्मा के नाम से जाने जाते हैं लोगों, तो बता रहे कि टूर्नामेंट का चौथा दिन एक बार फिर से बल्ला चला है क्रॉस बैलेंस स्ट्रोक, इस बार बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी थे
और रोहित की शानदार बल्लेबाजी पर पप्पू रेड्डी की तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। ऐसे में बल्लेबाजी की जरूरत थी, हालांकि शुरुआत नहीं मिली, लेकिन अब यहां से मैं देख रहा हूं कि दोनों बल्लेबाज अब एक छोटी सी साझेदारी पार्टनरशिप निभा रहे हैं। स्कोर इस एक के साथ पहुंचा है 40। दिस इज द सिक्स्थ ओवर इन प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट इनिंग। Those who tuned later and joined us later, Munger Bihar winning the toss and decided to bat first. Kidu, right hand, over again. Good delivery this time. Welcome back. End of the over. So sometimes we will have to be completion of the sixth over. The scorecard at the moment, 40 losing 4 wickets. Al Umar the first to go was Saurabh followed by Rajveer. राहुल एंड अमित, चार विकेट गिरी है। पहला विकेट सचिन बता रहे हैं कि शून्य पर गिरा था, दूसरा 4 पे, तीसरा 10 पे, चौथा 19 पर। उसके बाद से ये 21 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने की है। गिरबाज का नाम बता दें, बॉलर ने सनी सनी को बुलाया है। 5 ओवर हुए हैं और 6 ओवर हो चुके हैं, 6 ओवर में तक 40 बने हैं। क्या 2 ओवर में, आखिरी के 2 ओवर में 35 से 40 बनाए जा सकते हैं? लेट्स सी। रोहित इज लुकिंग इन ट्रेमेंडस कैच एट द मोमेंट। वाव, लवली, इन द वेटिंग इज सो मार्वेलस स्ट्रोक, मास्टर क्लास फ्रॉम दिस मैन। नंबर 1 ओवर द ट्री एंड दैट्स गॉन। 6 मोर रन्स, हाउ इज कम बाय रोहित। स्कोर इज नाउ 146। क्या बल्लेबाजी चल रही है, 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में रोहित। 8 गेंदों का सामना किया है, 27 पर पहुंच चुके हैं। तो ये वो बल्लेबाज है जिसने प्रेशर को रिलीज किया है कुछ अलग अंदाज में। चल रहे हैं, ये लगा शानदार, लाजवाब, गजब की बल्लेबाजी। तालियां बजाइए इस बल्लेबाज के लिए, अप्रिशिएट करिए इस बल्लेबाज को। दूसरा लगातार शक्ति के साथ 52 रनों का स्कोर, 50 पूरे हुए। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का और पिछली 7 गेंदों पर ये 5वां छक्का है बल्लेबाज रोहित का। बिल्कुल प्रेशर को रिलीज कर दिया है। ताली पठान कर दिया सनी के कुछ बता रहे हैं, लेकिन रोहित की शानदार बल्लेबाजी प्रयास के कई मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया बल्लेबाज ने। वेल डन। उसी तरीके से टीम जाएगी, खेलते रहे। 52 का स्कोर हुआ है, 52 नाउ। Let's see who will succeed to hit the third one. Oh, 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 ये शॉर्ट बॉल मिस कर बैठे अपने आप से नाखुश। ये हिट मी बॉल थी, छक्के वाली बॉल थी। जबरदस्त ये मुकाबला और वापसी करा दी है रोहित की बल्लेबाजी ने, जैसे कि बल्लेबाजी की थी अक्षर पटेल ने जब 3 विकेट गिर गई थी भैया। उसके बाद से ये पारी हुई लग रही है 3 छक्कों वाली। तैयार सनी, इस बार अंपायर का इशारा माइक और 1 पर ओवर का इशारा कर दिया अंपायर ने। यदि बाउंसर अब करेंगे तो फिर ओवर करा दी जाएगी। स्कोर हुआ है 53 ऑन द बोर्ड। आज कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये बड़ा मंच है, ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा डाई सिचुएशन है, करो या मरो की स्थिति है, काम ऐसा करना पड़ेगा। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को भी आपकी पहचान बने, आपका नाम बने, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सनी फिर से उठा रहा है, एफर्टलेस स्ट्रोक ऑन द ट्रैवल ओवर द लॉन्ग बाउंड्री वंस अगेन। ये था नंबर 6 फ्रॉम रोहित। क्या बल्लेबाजी कर रही है बल्लेबाज, एक और छक्के के साथ स्कोर को 64। पिछले 2 ओवर में 7 छक्के लगे हैं, 39 पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। क्या बल्लेबाजी कर रहा है, 6 छक्के लगा चुका है और नाम नहीं, ये काम नहीं, ध्यान देना इसका। 13 के 39, जबरदस्त कॉन्टेस्ट, जबरदस्त बल्लेबाजी। ये तो बिल्कुल लाइन और लेंथ को बिल्कुल खराब कर दिया है। यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता है, रन शॉर्ट कर दिया गया है। विकेट पर रन लेंगे तो रन शॉर्ट कर दिए जाएंगे। टॉस के टाइम भी बताया गया था, दोनों ही टीमों को ये बात में ध्यान रखना है। इसको अभी भी रुका हुआ 59। What a contest we are going to witness here at this Nagrasarai Mall in a late Atik Ahmed Memorial Cricket Tournament. First prize is by, second prize by, man of the series is by.
इस बार फिर से घूम कर खेलने की कोशिश और रन के लिए मना कर दिया गेंद विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के रणदीप मोहनिया के पास से गेंद लेने की कोशिश कोई भी बल्लेबाज नहीं करता है। सो ओवर नंबर 7 ओवर बीन कंप्लीटेड 7 ओवर ड्रॉप 69 इज द स्कोर। पांचवें विकेट के लिए अब तक 40 रनों की साझेदारी ये दोनों बल्लेबाज कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आखिरी ओवर रोहित खेलेंगे, 14 गेंदें खेली है, 39 रन बनाए, 6 छक्के लगाए थे आज। और शुरुआत में अगर उनके बल्लेबाजों ने 7-8 रन भी ओवर बनाए होते तो शायद आज ये स्कोर कुछ और होता। लेकिन दिस इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के गेम में। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, पहचान बनानी है, मिसाल बनानी है तो कुछ करना पड़ेगा। और कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी को हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि आपकी मिसाल बन जाए। ये रोहित मिसाल कायम करने वाली पारी खेल रहा अपनी टीम के लिए। 39 पर 14 गेंदे अंकित वे ऑन द लेग साइड एंड अंपायर प्रदीप यादव स्ट्रेच इज आर्म indicating Sachin that you have to get a run in the column of extras and bowler has to bowl an extra delivery this over. When that extra is scored is now 60, 60 runs. बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। तैयार। Once again, waiver delivery back to back second wide of this over. The score is now 61. 61 का स्कोर हुआ है। कहीं ना कहीं विकेट आज ज्यादा तेज खेल रहा है भैया। और कहीं ना कहीं पहले दिन हमने देखा कि हर मैच में 100 का आंकड़ा पूरा हो रहा था, दूसरे दिन 100 का आंकड़ा नहीं आया, कल भी अच्छे खासे रन नहीं आए थे। और इस बार के दौर में कैच वहां संभावना और इस तरीके से वापस ले जाया कि मौर्या ने एक बड़ा विकेट मिला आखिरी ओवर में। क्या लाजवाब यहाँ पे पारी के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इस बल्लेबाज का, शानदार पारी। मोमेंटम को शिफ्ट किया 15 के लिए, अंकित मौर्या लेकिन अब स्कोर 61 का है। न्यू बैट्समैन ने ब्रजेश पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। ब्रजेश अब ताली पठान भी कुछ पहुंचे हैं बल्लेबाज से, अंकित से बात कर रहे हैं। 5 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में, दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सभी दर्शकों का नगमासराय मऊ में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। कोई मऊ से आया है, कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई बंदी कला से है, कोई मोहम्मदाबाद से है। आप जहां कहीं भी से आए हो नगमासराय मऊ आपका स्वागत कर रहा है। लाइट टेलीकास्ट में मैं देख रहा हूं कि कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, मुंबई है, सभी लोगों का शुक्रिया। चलिए तैयार। इस बार बॉलर बैक ड्राइव अंकित मौर्या के सर के ऊपर, सेकंड पहुंची है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन के लिए, एक के साथ स्कोर 62। अगला मुकाबला भी दो बेहतरीन टीमें हैं, दो बड़ी टीमें हैं, हिंदुस्तान के सारे सितारे आपको देखते हुए खेलने को देखेंगे। नाउ एक साथ पूरे कैप्टन चंदन 8 गेंदे 1 रन बनाया अच्छा इस बार जो कर निकाला है। फाइनल कल है भाई, फाइनल कल है भाई। एक रन और खाते में। इस 8 ओवर के मुकाबले में अगर आप 10 गेंदों पर 2 रन बना रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं टीम को प्रेशर में डाल रहे हैं। स्कोर 1 के साथ पहुंचा है 63 रन, ये अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया जाएगा। अगर 85 रन 75 स्कोर है 8 ओवर के मुकाबले में। इस बार मना कर दिया रन लेने के लिए, खेलने दीजिए सारी गेंद हमें। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 63 रनों पर। तो आज कुछ अलग होगा अगर सैयाद ये टारगेट हासिल कर लेती है आबिद 11 की नेहटा की टीम, क्योंकि अभी तक 4 दिनों में एक भी मुकाबला सेकंड बैटिंग टीम नहीं जीती है। बल्ले का लगा किनारा, आसान सा कैच चीजों के लिए, 1 मोर विकेट फॉर AK-47 फ्रॉम मध्य प्रदेश अंकित मौर्या। क्या ये खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग लाजवाब करता है, बैटिंग स्टाइल आप देखिएगा, भी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं ये।
स्टाइलिश छक्के लगाते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, कैचिंग लाजवाब आपने देखी थी, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इस विकेट पे मुंगेर बिहार को। सुप्री पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए और सुप्रीम रुका हुआ है, सुप्रीम क्या एक दो छक्के लगेंगे, मोमेंटम शिफ्ट होगा आखिरी ओवर में, विकेट निकालेंगे अंकित सुप्रीम, चार खिलाड़ी लेफ्ट साइड में बाउंड्री लाइन पर, सुप्रीम इस बार गेंद जड़ में बिल्कुल यॉर्कर लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर पर थ्रो आया और इस तरीके से दो रन मिल जाएगा पहला ओवर की प्रगति पर। इस बार लाजवाब गेंद हवा में चाहते हुई और दूसरी गेंद पर चक्के के साथ शुरुआत की है अंकित, ये पावर इधर की बल्लेबाज है, इनके पास काबिलियत है, एबिलिटी है, ये पूरे भारत में घूमने के लिए खेलते हैं, इन्हें मालूम है इस विकेट को इन्होंने पढ़ लिया है और तारीख कल शाम में इन्होंने एक घंटे इस विकेट पर प्रैक्टिस की है, नवाज राय के जितने भी बॉलर थे सभी ने इनको बॉलिंग की है और इन्होंने प्रैक्टिस की है इस मैदान पर। कल अंकित अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद और देख लिया था के पास रिसीव करने वाले बिल्कुल के पास ही मात्र एक संतोष लोग बल्लेबाज इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है सात रन पहला ओवर की प्रगति पर। अब इस टाइम पर शहनवाज लेफ्ट और राइट का कंबिनेशन बल्ले मैदान पर होता है तो फील्ड में लगातार परिवर्तन करना पड़ता है। आदिल आदिल की तरफ से पहला विकेट शहनवाज ने पहले ओवर में पहला विकेट निकाल कर दिया है के पास ने, अगर पहले ओवर में देखा जाए तो बहुत कुछ देखने को मिला है। और अंकित मौर्या के लगातार तीन छक्के पर यानी हैट्रिक सिक्स पर प्रदीप यादव जो यहीं से बिलोंग करते हैं रघुनाथ राय से, उन्होंने 500 रुपए देने का ऐलान किया है, ये सारे इनाम जो लगाए जा रहे हैं उस वक्त अंकित मौर्या के लिए उसको अभी भी मात्र 7 रन अब बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं अभिसर उसको मात्र 7 पहला ओवर की प्रगति पर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी रिवर्स स्वीप किया था बल्लेबाज अंकित मौर्या ने लेकिन दूसरी गेंद थोड़ा सा दिशा से भटके और कमर के ऊपर से बैठी लाजवाब सिक्स लगाया था अंकित मौर्या ने। तीसरी गेंद फिर से पावर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास खराब होल में गेंद एक आसानी के साथ और चौथी गेंद का सामना किया शहनवाज ने कमर के ऊपर से खेलने का प्रयास और हाथ में लगे हुए थे। अब तक 4 गेंदें इस ओवर में हुई है और मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर 7 रन है, 66 का एक छोटा सा टारगेट, अब आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अब यहाँ से आपको मात्र रन रेट को मेंटेन कर रखना है, मात्र 8 रन पर सीधे यहाँ से चाहिए आपको जीतने के लिए, 66 का एक छोटा सा टारगेट। इसी बीच अगली गेंद अबूसर के लिए हल्के हाथ से खेला, अबूसर ने कवर ड्राइव किया एक आसानी के साथ, दूर बल्लेबाज ने पूरा किया इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रनों पर। अब इस टाइम करेंगे अंकित अनुआ पार के चंदन, उन्होंने अंकित मौर्या के लगातार 4 छक्के पर 1,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, ये सारे इनाम अंकित मौर्या भी आज लगाए जा रहे हैं, क्या अंकित मौर्या वो इनाम अपने नाम दर्ज करेंगे और बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक सफलता को सफलता जीती थी। इसी बीच अगली गेंद लो बाई स्लैब में गेंद जाकर गिरी है और इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 9 रन। ओवर की समाप्ति का ऐलान, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन और बहुत ही खूबसूरत ये मध्यम सी खूबसूरत ये हवाएं जो आज अति के मध्य मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के चारों दिशाओं में फैलती हुई नजर आ रही है, क्या खूबसूरत ये दृश्य, क्या खूबसूरत ये नजारा मैदान पे देखने को मिल रहा है, थोड़ा जल्दी करें उसके बाद अभी बहुत सारे मैचेस करा रहे हैं। 8 प्लस 4 ओवर का ये और जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अभी भी 42-57 की दरकार है और क्रिकेट का निश्चितताओं का खेल कहा जाता है, आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का 50-20 विश्व कप का फाइनल चल रहा था, 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे और वहां से बुमराह ने जो वापसी कराई थी, सूर्य कुमार यादव ने जो कैच लगता था
क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने। 42 गेंद 57 रन अब यहाँ से चाहिए। एक बात सामने बता दे, जयरापुर अपनी प्लेइंग 11 लाके जमा कर दे। अजीत अपने कोटे का पहला टीम के कोटे का लेकर आए ये दूसरा ओवर। आज प्लस आठ ओवर का ये मुकाबला। अजीत अपने कोटे का पहला पहली गेंद अंकित मोरिया के लिए। लेकिन सबसे थोड़ी सी मार वाई बॉल का इशारा आता हुआ और काफी सारे इनाम लगाए गए अंकित मोरिया पर। लगातार 3 छक्के पर वर्तमान ग्राहक प्रधान नगवासराय शमशाद खान साहब भुमावा ने 500 रुपए, चंदन सिपाही जी जो अलुआ पार से बिलोंग करते हैं उन्होंने 4 लगातार छक्के पर अंकित मोरिया को 1000 रुपए के राउंड की घोषणा की है। इसी बीच अगली गेंद हवा में गिर नहीं आती हुई और ये भी सीधे 4-2 रन के लिए रहे और इस दो के साथ स्कोर पहुंच चुका है धीरे धीरे 12 रनों पर स्कोर है 12। और साथ ही साथ प्रदीप यादव उन्होंने भी अंकित मोरिया के लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए के राउंड देने की घोषणा की है। ताली पैसे बहुत कम देखते जब कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी पर इनाम लगाता है। प्रदीप यादव के काफी अच्छे दोस्तों में ये शुमार है अंकित मोरिया, उनके साथ उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है उड़ीसा में। अंकित के लिए अगली गेंद जा रही है और ये पॉइंट लाइन के बाहर 6 रन। ये ऐसा लगा जैसे ग्रेट मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे हो। वॉलंटियर गेट की सफाई बना रखे, वॉलंटियर गेट की सफाई बना रखे भाई, प्लेयर जा रहे गेट आने के लिए वॉलंटियर की बात का ध्यान दो। ये अंकित मोरिया है, ये आज आप ये बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए अब तक उन्होंने 2 छक्के लगाए। पहला छक्का कवर के ऊपर से ये छक्का रिवर्सिव के अंदाज में, क्या शानदार बल्लेबाजी चलती हुई। अंकित मौर्या की 47 यही ओरिजिनल है भैया, उसको मेंटेन कर दिया, बाकी सबको यही इसी का नाम दिया गया है। उस पार शानदार के डिलीवरी बल्ला को चलाया और के जाएगी सीधे इसके लिए पहुंचने की दिशा में 4 रन के लिए। इस चार के साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 रन और ये निश्चित 307 डिग्री के खिलाड़ी है। जब मैदान पे आते हैं तो इनकी आंखें जब चल जाती है, ये मैदान के चारों दिशाओं में सांस बनाते हैं। अगली गेंद अंकित मोरिया अंकित मोरिया अगर हे घास से 6 लगाते तो प्रदीप यादव की तरफ से 500 रुपए। अंकित मोरिया क्या एक घास से 6 लगाएंगे? ये ताली खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ। 2 लगातार 6, एक छक्का अगर और आता है, अगर एक हाथ से 6 लगाते तो 500 रुपए का इनाम प्रदीप यादव की तरफ से। आदित भाई की तरफ से लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए। फिर पता लगवा चाहे शमशाद खान साहब अपने से 500 रुपए। बार हल्के हाथ से खेलने का प्रयास और ये बड़े खिलाड़ी की पहचान है। इन्होंने 500 रुपए तक नहीं गए, इन्होंने सम्मान दिया बॉलर्स को। 2 वक्त समाप्ति के बाद स्कोर अगर आप देखें तो मात्र 34 रन। अब मैं चाहूंगा आगे की जो कमेंट्री है हमारे साथ ही कमेंट्री दर तारीफ सिद्दीकी अमन ना बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी का तो हम इंतजार कर रहे थे, दर्शक इंतजार कर रहे थे। और टीम जयरापुर मध्य प्रदेश का क्या मुकाबला चल रहा है। 2 ओवर्स में 34 रन 66 के जवाब में सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस मुकाबले को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम IPL देख रहे हैं और उल्टे बैट से सीधे बैट से कभी फ्लिक करके कभी रिवर्स स्वीप करके इतने बड़े छक्के को लेफ्ट हैंडर ने भी लगाए, इतने दूर दूर मार रहे हैं। 3 लगातार छक्के थे कामरान खान साहब के बड़े भाई जनाब इस गांव के प्रधान जनाब शमशाद खान साहब की तरफ से 500 रुपए और आबिद हाफिज जी की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक छक्के लगाने पर। और इस बार वहां पे खेल लगा है लेकिन 1 रन बनकर पूरा किया है। आबिद
आदिल सॉरी आदिल हाफिजी की तरफ से 500 का इनाम है ये बल्लेबाजों के लिए। और वही अंकित मौर्य की व्यक्ति लगातार सके पर ग्राम प्रधान मौजूदा ग्राम प्रधान नदवासराय जनाब शमशाद खान बाबा साहब जो कमरान खान एक आईपीएल प्लेयर के बड़े भाइयों और लगातार हम लोगों के साथ वगैरह सब आए हुए हैं इसके बाद सब खेलने वाले। क्या जबरदस्त है भाई, हर एक दर्शक से मैं चाहूंगा कि तालियां बजाएं, ऐसी बल्लेबाजी आप बहुत कम देखते हैं। क्या लाजवाब स्कोर, बेहतरीन बल्लेबाजी, 6-7 स्कोर पर चाहे 41 कोटी बार, क्या बल्लेबाजी चल रही है। पिछले ओवर में छक्के वाली गेंद की हैट्रिक नहीं लगाई, ये होता है सामान के पास का। एक और छक्का लगाते हैं तो सीधा 50 कंप्लीट हो जाएगा। एक और छक्का, 12 गेंदे 44 पर खेल रहे हैं, टोटल स्कोर 47 में। इस बार फिर से बल्ले का किनारा लगा है और के तनाता धंधा ना भी है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, 2 रन दूर अपने आगे शतक पे, 13 गेंदे 48, क्या बल्लेबाजी चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम हाईलाइट देख रहे हो, हर गीत पे छक्के छक्के लगा रहे हैं। ये है नदवासराय की शानदार सरबरी इस शानदार क्रिकेट ग्राउंड में, स्वागत। ये अब एक हाथ वाला छक्का, एक हाथ वाला छक्का, इसी के साथ 50 भी कंप्लीट। सुपरमैन है ये, मैन नहीं है सुपरमैन है ये। 50 रन बने हुए, एक बार बल्ला उठा दे और बेटा तालियों के साथ स्वागत करें बल्लेबाज का, वेल डन। ये सुपरमैन आया आज नदवासराय में और मौजूदा प्रधान जनाब शमशाद खान बाबा साहब की तरफ से, कामरान खान साहब के बड़े भाई की तरफ से भी 500 का इनाम आया है बल्लेबाज के लिए। क्या बल्लेबाजी चल रही है, स्कोर का पहुंचा है 57, सच्ची ओवर गॉन, स्कोर इज 57 ऑन द बोर्ड। आज तो आफ्ताब भाई कमर आसिफ और जफर इंजन बड़े खुश है, आज इनकी ये रील्स बिल्कुल लाखों में मिलियंस में जाने वाली है। ऐसे शॉट्स लगाए गए आज, AK-47 जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल दंदन दंदन छक्का लगाए बंदा आगे। आज चार दिनों में आज दर्शक देखिए, आज चले लाइक और शेयर कर दे, लाइक और शेयर कर दे सारे लोग, जबरदस्त मुकाबला। 500 एक हाथ से छक्का लगाने पर ये अभिषेक के लिए फिर उसको घूम कर खेला है वहां पे, रन आउट का जोड़ा फिर, लेकिन प्रदीप यादव अपना यहां इनाम दे देंगे। और वहीं पर एक छक्के पर जनाब शमशाद खान साहब मौजूदा प्रधान साहब की तरफ से, नदवासराय मऊ की तरफ से 500, लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हुई है, पहले दिन से लगातार हम लोगों के साथ हुए इस बड़े मंच पर, इस बड़े टूर्नामेंट में हम आपका दिल की गहराई से प्यार कर रहे हैं। अगला मुकाबला भी जुड़ रही है, बहुत बड़ा मुकाबला है, तैयार सामने वाले चोर से रुमाल ले लियो, लेग साइड अंपायर से कैप्टन दो बॉल कौन ले लो, गमछा ले लियो, वाइड गेट का इशारा किया अंपायर ने, ठीक है ये बात सब बता दें, कमला पसंद ले लिया, सुप्री बस औपचारिकता है बची है इस मुकाबले में। 58 हो गया स्कोर, 59 हो गया, चौथा ओवर चल रहा है, थैंक्स टू अंकित मौर्य की टाइम बताया हम लोगों का। ये लगा गेंद स्कूल की बिल्डिंग क्रॉस करती है, 120 मीटर लगभग ये गेंद गई है, क्या बल्लेबाजी चल रही है, सिर्फ 2 रन चाहिए, 1 रन तो चाहिए, एक हाथ से ये छक्के ये सुपरमैन नहीं कर सकते हैं, जहां इस मैदान पे 2 हाथों से छक्के नहीं लगा पा रहे, एक एक हाथ से छक्का लगा रहे हैं, उल्टा बैट सीधा बैट, एक बार फिर से घुमाया है और गेंद जाएगी उस पार लेकर, रन के लिए मना कर दिया, उधर को भी मजा मिल रहा है कि आप खेलते रहिए, सामने देख के मजा आ रहा है, एक रन और चाहिए, क्या बल्लेबाजी की है, व्हाट अ लवली बैटिंग डिस्प्ले शोन बाय अंकित मौर्य, 2 विकेट भी निकाला है और बल्लेबाजी में तो क्या रन जमाया आज, और वेल डन, ताली बजाई, ताली का हाथ मिलाया, कि आपने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाए रहे, और अगारी डिस्प्ले शोन भाई अंकित मौर्य, मुंगेर के सारे खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाई, वेल डन, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी। इसके बाद है क्या शानदार हमारे 11 शर्मा वर्सेस
जय राजपूर के इसके बाद कस्बा माहौल और दफन पांच रनों की एक शानदार पारी। What a batting this way, जैसा नाम वैसा का well done, 60 साठ रन 18 गेंदे छक्के को लाजवाब अंदाज। रिवर्स स्वीप तीन छक्के लगाए एक हाथ से दो छक्के लगाए और लवान लवाफ किसी भी मैदान के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा आज। अगले मुकाबले के दोनों कप्तान रेडी रहेंगे। एक रन चाहिए ये चक्का लगाने की कोशिश लेकिन के साथ मैच खत्म हो गया। यहाँ पे इस मुकाबले को जीत लिया है और इस मैच चलिए इसी के साथ है मुकाबला यहीं पे खत्म होता है। वन एंड ओनली अंकित मौर्य नेशनल स्पोर्ट्स मोहम्मद सादिक के मानी साहब से एक और देखिए भाई राम मंदिर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और जनाब शमशाद खान साहब ग्राम प्रधान धरवा सराय मऊ सामरान खान साहब के बड़े भाई जिनके हाथों से यह मैन ऑफ द मैच के अवार्ड दिया जाएगा और साथ ही साथ 500 रुपए की जो एक छक्का लगाया एक हाथ से उनकी तरफ से इनाम अंकित मौर्य को। और चलिए मिलते हैं गुरु भाई किसी मिलते हैं इसके बाद होने वाले मुकाबले।